Assalamu alaikum everybody. Today we are going to discuss the review of membrane potential. So if we talk about the neuron, when the neuron is at resting stage, it is yani ke the cell membrane or the neurolemma is polarized. ठीक है, जिसमें हमने कहा था all the sodium channels are closed, कोई movement नहीं हो रही थी ions की across the membrane and -70 millivolts की reading हमें मिल रही थी, यानी कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल मिल रहा था जिसे हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कह रहे हैं। देन एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था विद द स्टिमुलाई, जब स्टिमुलाई रिसीव किया गया था बाय द न्यूरॉन, और सेल मेम्ब्रेन डीपोलराइज हुई थी। ठीक है, और ये एक्शन पोटेंशियल क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ द ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स। यहाँ पर सोडियम चैनल्स ओपन हुए थे और आपका वोल्ट मीटर अप टू +50 मिली वोल्ट की रीडिंग दे रहा था। टेनिक फेस आया था जिसमें हमने ये कहा था कि नर्व इम्पल्स ट्रेवल करके जा चुकी है, ठीक है, और पीछे से हमारी जो न्यूरोलेमा है वो अपने आप को रीपोलराइज करती है। लेकिन ये रीपोलराइजेशन यानी कि बाहर जो पॉजिटिव चार्ज आता है, अब रीपोलराइजेशन में वो आता है बिकॉज ऑफ द पोटेशियम आइंस, बिकॉज पोटेशियम आइन चैनल्स ओपन होते हैं और पीछे से ये रिकवर करते हैं यानी कि रीपोलराइज करते हैं आपके न्यूरोलेमा। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू talk about the refractory period, ठीक है, और उसके बाद हम इस membrane potential की graphical diagram representation भी देखेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं refractory period की, और इस period में हमें कौन help करेगा? इसमें ATPs utilize करेंगे हम, और हमारे neurolemma में present sodium potassium pump काम करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं sodium potassium pump क्या करने वाले हैं। यहाँ वी कैन ऑब्जर्व, हमने जब बात की थी रीपोलराइजेशन की, हमने कहा था नर्व इम्पल्स यहाँ से ट्रेवल करके जा रही है, सोडियम चैनल्स ओपन हो रहे हैं, सोडियम इनसाइड द मेम्ब्रेन मूव कर रहा है, मेम्ब्रेन को डीपोलराइज कर रहा है, जबकि पीछे से पोटेशियम चैनल्स ओपन करते हैं, ठीक है, और पोटेशियम चैनल्स क्या करते हैं, पोटेशियम आइंस को बाहर मूव करवाते हैं ताकि ये रीपोलराइज कर सकें सेल मेम्ब्रेन को या न्यूरोलिमा को, ठीक है। अब जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है रीपोलराइजेशन में वो आ रहा है बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आइंस ओवर हियर, ठीक है, जबकि यहाँ पे सोडियम आइंस होने चाहिए हमें पता है नॉर्मल कंडीशन में। अच्छा, अब ये तो था रीपोलराइजेशन। अब हुआ ये कि जब रीपोलराइजेशन हुई तो अब यहाँ पर जो चार्ज आ रहा है पॉजिटिव, जो चार्ज आ रहा है नेगेटिव, ये ऐसे ही होना चाहिए था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ आयन बैलेंस करेक्ट नहीं है। आयन बैलेंस की अगर हम बात करें तो बाहर सोडियम आयन्स ज्यादा होने चाहिए, अंदर पोटेशियम आयन्स ज्यादा होने चाहिए। अब ये नर्व इम्पल्स वंस ये नर्व इम्पल्स इस न्यूरॉन से ट्रेवल करके दूसरे न्यूरॉन में चली गई, तो अब जो भी सोडियम आयन्स यहाँ साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं, इन्हें सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, रिफ्रैक्टरी पीरियड में बाहर वापस भेजेगी, और बाहर जो रीपोलराइजेशन के लिए पोटेशियम आइंस गए थे उन्हें वापस अंदर लेकर आएगी, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टरी पीरियड। और ये पीरियड जो है, इस पीरियड में हमें कौन हेल्प कर रहा है, कौन काम कर रहा है, हमारे सोडियम पोटेशियम पंप्स काम कर रहे हैं। ये पंप्स हैं, ये पंप करेंगे, दे आर गोइंग टू पंप आउट 3 सोडियम आइंस एंड पंप इन 2 पोटेशियम आइंस, ठीक है। तो यहाँ पर विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी ये सोडियम पोटेशियम पंप जो कि हमारे न्यूरोलेमा में प्रेजेंट हैं, दे आर गोइंग टू सेंड 3 आयंस ऑफ सोडियम आउटसाइड ऑफ दिस न्यूरोलेमा इन एक्सचेंज ऑफ 2 पोटेशियम आयंस, ठीक है। तो एक टाइम में 3 पंप होंगे बाहर सोडियम आयंस और 2 पोटेशियम आयंस अंदर आ रहे होंगे, ठीक है, और फिर इस तरह से वही वापस बैलेंस कर देंगे रेस्टिंग पोटेंशियल जो कि पहले था बिफोर दी नर्व इम्पल्स, जिसमें सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा थी और अंदर पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी। अब बात करते हैं इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखें तो हमने देखा था कि फर्स्ट जो स्टेज थी रेस्टिंग स्टेज थी न्यूरोन की, जिसमें हमने कहा था मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज रेस्टिंग, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट्स पे मिल रहा था हमें, ये -70 मिलीवोल्ट्स की रीडिंग आ रही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। फिर जैसे ही स्टिमुलस रिसीव हुआ था वो स्टिमुलस
अगर तो थ्रेशोल्ड लेवल तक रीच करता है तो ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता था और मैसेज आगे कन्वे होता था, अदरवाइज नहीं होता था। तो थ्रेशोल्ड लेवल ऑलमोस्ट हमारे पास -55 mV पर आता है। तो थ्रेशोल्ड लेवल के लिए हमारे पास क्या है, -55 mV। थ्रेशोल्ड लेवल से ज्यादा की इंटेंसिटी थी इस स्टिमुलस की, तो इसने क्या किया है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया है एंड आर न्यूरोलिमा हैज बीन डीपोलराइज्ड। और जैसे ही डीपोलराइज्ड होगी हमारी न्यूरोलिमा, तो हमें पता है हमारी रीडिंग अप टू +45 mV जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ से वापस कौन सा फेस आ रहा है, रीपोलराइजेशन का, यानी कि पोटेशियम चैनल्स यहाँ पर ओपन होंगे, पोटेशियम आयंस बाहर मूव करेंगे और हमारी न्यूरोलिमा को रीपोलराइज करने की कोशिश करेंगे। रीपोलराइज हो रही है, वापस हमारी रीडिंग -70 mV तक जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पर देखो एक अंडर शूट नजर आ रही है ग्राफ में। इस ग्राफ में जो अंडर शूट आया ना, ये वाला जो पीरियड है, ये है हमारा रिफ्रैक्टरी पीरियड, जिसमें हुआ ये है कि पोटेशियम आयंस और सोडियम आयंस को बैलेंस किया जा रहा है इन एंड आउटसाइड द न्यूरोलिमा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा अंडर शूट नजर आएगा ग्राफ में, और फिर वापस जब ये ATPs और हमारे सोडियम पोटेशियम पंप अपना काम कंप्लीट कर लेंगे तो रेस्टिंग पोटेंशियल जनरेट। सो दिस वॉज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इज इट क्लियर?